माई टीम मनिंदर सिंह की बंगाल वॉरियर्स के सामने है द हॉक रविंदर पहल के तेलुगु टाइटंस। सात डिफेंडर मैट पर रेडर एक जनाब मनिंदर और रविंदर की जंग में एक्शन दिखेगा बेहिसाब। शुरू हो गए हैं मनिंदर और आशा करते हैं बीती रात की तरह परफॉर्मेंस ना रहे, आज मनिंदर खुलकर खेलें जैसा हमने उन्हें खेलते हुए देखा। हजार से शुरुआत कर रहे हैं, हजार रेट पॉइंट्स, अब मान के चलिए जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आपने पार कर लिया, इसे बैट्समैन सेंचुरी के बाद दोबारा से गार्ड लेता है। मनिंदर सोचे कि करियर शुरू है अभी। बोनस पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। और यहां विनय ने एक तरफा शुरुआत भी की है, पिछले मुकाबले में भी जहां अभिषेक और सिद्ध देसाई जैसे खिलाड़ी थे वहां विनय निखर कर सामने आए थे, सात रेड पॉइंट तब लिए थे और यहां टीम का खाता भी विनय ने खोला। अगर आपकी दो रेड एम्प्टी हो तो तीसरी रेड डू और डाई रेड होती है, पॉइंट लेना जरूरी है। और यहां रजनीश का शिकार हुआ, बंगाल का डिफेंस गरज रहा है क्योंकि वैभव गरजे आए हैं। बहुत ही कमाल का इनका ये छोटा सा करियर रहा है और कमाल का डबल थाई होल्ड भी रहा है। फिर से कॉम्बिनेशन टैकल देखने को मिला। अगर आप सिंगल खिलाड़ी की तरफ जाएंगे तो इधर से चेन आएगी, अगर आप चेन की तरफ जाएंगे रविंदर पहल, ओ ये किक लगी है, विशाल का ब्लॉक है, मनिंदर एस्केप कर सकते हैं, मनिंदर ने एस्केप कर ली है, ये ऑल आउट रेड हो सकती है। ऑल आउट 3+2 points। सीजन 9 में माइटी मनिंदर की पहली झलक देख ली है हमने, मुबारक बंगाल वॉरियर्स। ये है पंजाब पावर हाउस माइटी मनिंदर। विशाल भारद्वाज प्रवेश, फैंसबॉल डाइव लगाई, विशाल की दूसरी कामयाबी। डुओ डाई रेड है, पिछली दो रेड में टाइटंस को पॉइंट्स नहीं मिले थे तो अब ये डुओ डाई रेड है जिसके लिए विनय को भेजा गया है। और इकलौते रेडर जिसने पॉइंट लिया वो भी बाहर गए। बोनस पॉइंट तेलुगु टाइटंस, रेडर आउट, वन पॉइंट। विनय बोनस लेने में कामयाब। और अब आ चुके हैं सिद्धार्थ बाहुबली देसाई, शोर सुनिए, इस बाहुबली के आते ही स्टेडियम में उनका स्वागत किया जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कहीं जोर जोर से बाहुबली न बोले। और यहां गिरीश एरनाथ आ गए लेकिन क्या वो भी लॉबी से बाहर गए, क्या ये रिव्यू लिया जाएगा? बाहुबली आउट है लेकिन संभवत है गिरीश एरनाथ भी आउट है, तो दोनों टीम्स को एक एक रिवाइवल मिलेगा। मनिंदर सिंह दूसरे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हजार रेड पॉइंट्स का आंकड़ा छुआ आज की रात, 104 रेड पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं, 1004 माफी चाहूंगा। और विशाल भारद्वाज ने फिर से अटेम्प्ट किया लेकिन मनिंदर ने दोनों कॉर्नर का सुपड़ा साफ किया। पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स। उसके बाद मुस्कान देखी, नंबर 7-6 आउट। रविंदर और मनिंदर एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए, विशाल ने डाइव लगाई, पहला फेल टैकर और रविंदर बहुत लेट हो गए। यहाँ एक कॉर्नर पर सुरजीत, दूसरे कॉर्नर पर परवेश और यहाँ परवेश की पकड़ से निकले श्रीकांत, ये चल नहीं रहे, ये दहाड़ रहे हैं। One point, Bengal Warriors. सिर्फ दो खिलाड़ी बचे हैं तेलुगु टाइटंस के मैट पर और यहाँ रजनीश का पॉइंट लाना जरूरी है, अगर सुपर टैकल में तीन खिलाड़ी चाहिए, लेकिन यहाँ रजनीश बाहर और अब सुरजीत भी ऑल आउट में बाहर ही होने वाले हैं क्योंकि आखिरी खिलाड़ी है मैट पर। ऑल आउट 1+2 points बंगाल वॉरियर्स। और औपचारिकताएं पूरी हुई, मनिंदर सिंह की बंगाल वॉरियर्स ने रविंदर पहल की तेलुगु टाइटंस को 15 मिनट से पहले ऑल आउट दे दिया है। यहां गिरीश एरनाथ बाहर है लेकिन उन्हें वापस बुला लिया बंगाल के डिफेंस ने क्योंकि बालाजी ने बाहुबली को बाहर का रास्ता दिखाया। विनय मात्र 3 पॉइंट, डिफेंस टोटल मिलाकर 2 पॉइंट तेलुगु टाइटन्स के, इसीलिए स्कोर डिफरेंस देखिए 17 पॉइंट का है। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर की गलती का पूरा फायदा उठाया गिरीश एरनाथ, इनका आज की रात ये दूसरा अनसक्सेसफुल टैकल था। देख ठंडा करके मारेगा पूरा टाइम पास, पूरा टाइम पास। और यहाँ हुआ हाफ टाइम, तेलुगु टाइटंस बनाम बंगाल वॉरियर्स, 15 पॉइंट से लीड कर रही है बंगाल वॉरियर्स, इतना एक्सपीरियंस डिफेंस तेलुगु टाइटंस का लेकिन पॉइंट्स के मामले में मात्र 2 टैकल पॉइंट। मंजीत साहब कह रहे हैं रविंदर पहल को कि
इतना पीछे हट के क्यों खेल रहे हो? बोनस लाइन खाली छोड़ोगे तो रेडर अंदर आके बोनस भी लेगा, आपको टच भी मारेगा। रविंदर कह रहे हैं कि मैं तो किक बचा रहा हूँ। वो कह रहे हैं किक लगी तो लगी, कम से कम रेडर पे प्रेशर तो बनाइए, क्योंकि रविंदर पहल ने आज एक अंक भी नहीं लिया है, पिछले मैच में एक ही अंक लिया था और इतने दिग्गज डिफेंडर है। अब रजनीश पर जिम्मेदारी है रेडिंग डिपार्टमेंट की, और रजनीश ने शिकार किया लेफ्ट कॉर्नर का। दीपक हुड्डा को पॉइंट मिले, पहली कामयाबी सीजन 9 में दीपक हुड्डा की एज अ रेडर, और वो भी दो पॉइंट लेकर आए हैं। और सुपर टैकल में अब आ चुके हैं मनिंदर, ऑल आउट का मौका है। मनिंदर एक पॉइंट भी ले गए तो ऑल आउट मिल जाएगा। मनिंदर का सुपर 10, माइटी मनिंदर सिंह, वन पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। सीजन 9 में बंगाल वॉरियर्स के कैप्टन माइटी मनिंदर सिंह का ये पहला सुपर 10 और करियर का अर्धशतक पूरा कर लिया, 50वां सुपर 10 माइटी मनिंदर का। मोनू गोयक पर फिर से जिम्मेदारी आ चुकी है अपनी टीम को ऑल आउट से बचाने की, लेकिन इस बार टीम ऑल आउट होगी। शुभम शिंदे का कामयाब टैकल, मोनू की स्पीड नहीं थी, डीप में चले गए और तीसरी मर्तबा ऑल आउट दिया है। क्या मिड लाइन क्रॉस की है मोनू ने, बोनस प्लस टू पॉइंट, सुपर रेड तेलुगु टाइटंस, सुपर रेड मोनू गोयत की, अनुभव दिखाया, बोनस लिया, उसके बाद एस्केप किया और टीम को वापसी का छोटा सा रास्ता भी दे दिया। और यहां डू ऑर डाई में गए मनिंदर, और आज की रात मनिंदर को कोई नहीं रोक पा रहा। तीसरी बार रविंदर पहल का शिकार किया मनिंदर सिंह ने, और अब डू ऑर डाई रेड में मोनू गोयत। श्रीकांत यादव की कमेंट्री बहुत बढ़िया, और यहां बंगाल का डिफेंस बहुत बढ़िया है, कहा आने दे आने दे। दोनों डिपार्टमेंट चले हैं, दीपक हुड्डा की दूसरी कामयाबी है एज अ डिफेंडर। डू ओर डाई, दीपक हुड्डा मिड लाइन टच की, क्या क्रॉस की है, मुझे लगता है तेलुगु टाइटंस रिव्यू लेगी। अंकल को लगता है कि 4 पॉइंट है, आजम खान को लगता है कि 3 पॉइंट है। यहां दीपक निवास हुडा ने सुपर रेड की शुरुआत कर दी है, और ये देखिए यहां टाइटंस की बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल अलग हो गई है। मुकाबले से पहले मंजीत कह भी रहे थे कि बताते हैं वो मैट पर, और ये यहां स्ट्रगल चालू है बाहुबली बनाम दीपक हुडा, और इस जंग में विशाल भारत विनय और सिद्धार्थ देसाई ने बाजी मारी। तो विशाल भारद्वाज के बाद इकलौता डिफेंडर जिसने टाइटंस के लिए पॉइंट लिए हैं वो उनका मेन डिफेंडर नहीं है, उनके युवा रेडर हैं जो पहला सीजन खेल रहे हैं, नाम है विनय रेडू। यहां डू ऑर डाई में विनय, और विनय लगातार कमाल करते हुए पहले सुपर टैकल में पॉइंट लिया और यहां रेडिंग में भी पॉइंट लेकर आए। बंगाल के कोच जिन्होंने जयपुर के साथ पहली ट्रॉफी उठाई थी, और यहां बहुत ही आसान टैकल देखा हमने शुभम शिंदे का। सब कुछ अच्छा घटा है आज बंगाल वॉरियर्स के साथ, उनके तीनों रेडर चल पड़े हैं, और ये सिद्धार्थ देसाई की रेड जो कि इस मुकाबले की शायद आखिरी रेड भी हो सकती है, 45-25 का स्कोर, और ये मेरे ख्याल से अब तक इस सीजन का सबसे हाईएस्ट मार्जिन वाला मैच है, इसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर भी है इस सीजन में और सबसे बड़ी जीत भी है इस सीजन में। बंगाल वॉरियर्स ने वीवो प्रो कबड्डी में तेलुगु टाइटंस को चौथी मरतबा हराया है, और कोच संदीप तरकस सीईओ, इनफैक्ट संदीप तरकस का खुश होना बनता है, कोच भास्करन साहब का खुश होना बनता है, मनिंदर दीपक हुड्डा श्रीकांत जाधव समेत पूरे डिफेंस का खुश होना बनता है, क्योंकि पिछले मैच में मिली हुई बड़ी हार को उन्होंने भुलाया है और अगले ही मैच में बड़ी जीत के साथ प्रो कबड्डी के सीजन 9 में वापसी की है। जहां एक तरफ बंगाल के मनिंदर सिंह आज चमके, दीपक चमके, श्रीकांत जाधव चमके, वहीं दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस का डिफेंस बिल्कुल नहीं चला, ना ही चला उनका रेडिंग डिपार्टमेंट। पहला मुकाबला जयपुर जीती 35-30 से, दूसरा मुकाबला बंगाल वॉरियर्स बनाम तेलुगु टाइटंस में 20 पॉइंट की लीड से जीती बंगाल वॉरियर्स।